हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि मैम आप प्लीज़ घरेलू नुस्खा बताएं जिससे हमारी स्किन ग्लोइंग और खिली खिली हमारे चेहरे पर आए। तो उसके लिए मैं बताऊंगी आपको घरेलू नुस्खा। तो उसके लिए आपको चाहिए बेसन। बेसन लीजिए, आपने शहद के साथ मिक्स करना, उसके बाद आपने हल्दी को मिलाना, उसके बाद आप चुटकी भर एक नमक मिला लें तो आपका ऐसा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। जो देखिए मैंने पहले ऑलरेडी बना रखा है। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे चेहरे पर लगा लेना है इसको। तो आपने ऐसे चेहरे पर लगाकर ऐसे राउंड सा, ऐसे गोल गोल सा, ऐसे फेस पर आपने इसे मसाज करनी है। आपने स्क्रब, आपका जो स्क्रब तैयार हो गया है आपका होममेड, तो आपने ऐसे स्क्रब करना है जहाँ पर आपको लगता है कि आपका ज़्यादा डार्क सर्कल है, जहाँ आपके ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं, तो आप उस पर आपने दो तीन ज़्यादा लगाना है ऐसे। ये देखिए, तो मैं अपने फेस पर ऐसे ही घरेलू नुस्खे ही यूज़ करती हूँ। तो मैं जो बाज़ार में मिलते हैं वो कम यूज़ करती हूँ। अपने 5 मिनट तक मसाज करनी है। 5 मिनट मसाज करने के बाद देखना आपकी स्किन बहुत ही चमकदार हो जाएगी, आपके जितने भी ब्लैक हेड्स हैं वो निकल जाएंगे। तो आपकी स्किन जो है, आप रूटीन में ऐसे स्क्रब करते हो तो आपके देखना स्किन धीरे धीरे से और भी अच्छी और चमकदार होती जाएगी और आपकी स्किन जो है जवान लगेगी। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना इस वीडियो को। तो मेरे हो गए हैं 5 मिनट, तो अभी मैं आपको वॉश करके बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने वॉश कर लिया, देख सकते हैं आप मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग हो गई है। तो आप सोचेंगे कि बेसन, शहद, हल्दी और नमक हमने क्यों यूज़ किया, तो मैं बताती हूँ। जो बेसन है वो आपका स्क्रब का काम करेगा, तो जो बेसन शहद डाला है वो आप ब्लीच का काम करेगा, तो जो हमने हल्दी डाली है जो आपके डार्क सर्कल है, शैया वगैरह है, उससे रिमूव करेगी। तो जो नमक है वो नमक हमारा वो सारी चीज़ों को खारा बना देगा और जो आपके फेशियल हेयर है वो उसे मिटा देगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।